वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त महिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मिक्स माइंड। तो आइए, मैं हाजिर हूं आपके सामने लेके आज का एक नया टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि। तो आइए शुरू करते हैं। कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण को संदर्भित करता है, जिसे मनुष्यों की तरह सोचने और उनके कार्यों की नकल करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। 31 अगस्त 1955 शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन एम्सी कार्टी, डार्टमाउथ कॉलेज, मार्विन मिन्सी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नथनेलियल रॉकेस्टर IBM एंड क्लॉड शैनन बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज द्वारा प्रस्तुत 2 मंथ्स 10 मैन स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रस्ताव में गढ़ा गया है। कार्यशाला जो एक साल बाद जुलाई और अगस्त 1956 में हुए को आमतौर पर किए गए एक क्षेत्र के आधिकारिक जन्मतिथि मानी जाती है। वैज्ञानिक और संगठन कार्य और अन्य का विकास, साइंटिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्क एंड इवोल्यूशन ऑफ AI, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है मशीन लर्निंग की एंड 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था। इस बात के बहुत संभावना है कि आप अपनी डेली लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में डेली विकास हो रहा है, परंतु ये कोई जादू नहीं है बल्कि इस पर काफी सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हमारी नॉर्मल लाइफ और भी आसान बनाई जा सके। नीचे दिए गए कुछ साइंटिस्ट की उपलब्धियां इस प्रकार हैं। नाइक बोस्टरम, ये एक फेमस रिसर्चर हैं जो कि एक रिस्क ऑफ डेवलपिंग आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एंड अन्य रणनीतियों की जिम्मेदारी से कैसे निभाना है इसके लिए जाने जाते हैं। निक ने फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट के स्थापन के जो मानव जाति के भविष्य के बारे में शोध करते हैं। बोस्टरम, स्टेफन हॉकिंग, मैक्स टेगमार्क, एलोन मस्क एंड अन्य लोगों के साथ January 2015 में AI के संभावित खतरों के बारे में फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट के ओपन लेटर को साइन किया था। डेमिस हैसिबल, ये एक ब्रिटिश AI प्रोग्रामर, उद्योगपति, न्यूरोसाइंटिस्ट और कंप्यूटर गेमिंग डिजाइनर हैं, जो कि चेस में एक बच्चा विलक्षण था एंड 13 साल की एज में मास्टर स्टैंडर्ड तक पहुंच गया था। हैसिबल्स ने सह स्थापना की थी डीप माइंड टेक्नोलॉजीज की 2010 में, जो कि एक मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जियोफ्री ई हिंटन, जियोफ्री एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो कि अपने वर्क इन मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, AI कॉग्निटिव साइंस एंड ऑब्जेक्टिव रिकॉग्निशन के लिए विख्यात है। 2013 से जियोफ्री हिंटन अपनी कंपनी DN रिसर्च इंक के अधिग्रहण के बाद गूगल में एक डिस्टिंग्विश्ड रिसर्चर के रूप में जाने जाते हैं। डैक किचलस, ये एक नॉर्वेगियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेसमैन है, जिन्हें सीरी और VYV के विकसित करने वाली टीम इंचार्ज के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इस ईयर में सीरी नामक एक स्टार्टअप बनाया जिसके सह स्थापक एंड CEO थे। बाद में 2010 में उसे एप्पल ने एक्वायर किया एंड ये एप्पल में एज अ डायरेक्टर काम करने लगे। फिर उन्होंने एप्पल से अपनी जॉब को क्विट कर दी और एक नए स्टार्टअप के लिए अपना कदम बढ़ाया, जिसका नाम था BYV, जो कि 2016 में सैमसंग द्वारा एक्वायर किया गया था। रेमन रे कॉजविल, एक सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक और एक प्रसिद्ध अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, आविष्कार, लेखक एंड भविष्यवादी है। 1968 में उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को कॉलेज के साथ साथ मैच करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग कराते थे। इन्हें रेस्टलेस जीनियस एंड द अल्टीमेट थिंकिंग मशीन भी कहा जाया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड द फोर्ब्स में लैन ल्यूकन, ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिनकी रुचि मशीन लर्निंग, मोबाइल रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर विजन के एरिया में है।
1988 में इन्होंने एडेप्टिव सिस्टम रिसर्च डिपार्टमेंट एट AT&T बेल लेबोरेटरीज इन हॉलमुडेल न्यू जर्सी में काम करना शुरू किया। यहाँ इन्होंने इमेज रिकॉग्नाइजेशन का एक बायोलॉजिकल मॉडल डेवलप किया जिसको कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है एंड ये OCR पर अप्लाई होता है। एंड्रू एनजी ये एक चाइनीज अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड AI रिसर्चर हैं। इनके प्रोजेक्ट हैं स्टैनफोर्ड ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट एंड द स्टैनफोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट स्टेयर, जैसे कि ओपन सोर्सेस रोबोटिक प्लेटफॉर्म रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया था। स्टुअर्ट जे रसेल, स्टुअर्ट एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जिन्होंने मॉडर्न हैंडबुक ऑन AI डेवलपमेंट लिखा है। रसेल इस अभी एक प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में, जहां उन्होंने द सेंटर फॉर ह्यूमन कैपेबिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, अब हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले आने वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल मिक्स माइंड और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।